नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। आज सावन का पहला सोमवार है। सोमवार का महत्व पूरे सप्ताह में सबसे अधिक होता है, क्योंकि यह दिन शिव भोले का दिन माना जाता है। आज पूरे देश में शिवालयों में, शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। श्रद्धालु सुबह सवेरे उठकर मंदिरों में आकर विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर रहे हैं। यमुनानगर के मंदिरों में भी सुबह सवेरे से श्रद्धालु पहुंचकर शिवलिंग पर जल अर्पण कर विधिवत रूप से पूजा अर्चना करके भगवान शिव का आशीर्वाद ले रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि भगवान शिव सभी पर कृपा करते हैं। भगवान शिव से प्रार्थना है कि वह सबका भला करे, देश में, विश्व में शांति हो, आपसी भाईचारा बढ़े, सभी का कल्याण हो। मेरा नाम चिंतामणि भट्टी, मैं सनातन धर्म मंदिर का पुजारी हूँ। आज जो है सावन मास का पहला सोमवार है। सावन में भगवान शिव की आराधना करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, पंचामृत से, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इसी गंगा जल से पूजा होती है। भगवान शिव जो हैं सबके दाता हैं, सुख के दाता हैं, सबको सुख शांति प्रदान करने वाले हैं। ऐसे हमारे शंकर भगवान हैं, वो आपको और सारे संसार को सुख शांति प्रदान देने वाले हैं। शंकर भगवान की जय। बाबा कृपा करें सब पर, सारे जमुना वासियों पर कृपा करें, देश पर कृपा करें, यही मन्नत है। और क्या, सबों पर उनकी कृपा बनी रहे। ये भोले भंडारी हैं, ये देते हैं, दिल खोल के देते हैं। भोले भंडारी से यही प्रार्थना है कि भी सुख शांति और सबको समृद्धि दे। भोले भंडारी से बस एक ही प्रार्थना है जो हम रोज करते हैं, सर्वदा भला, विश्व का कल्याण हो, सारे विश्व में शांति हो, भाईचारा हो, मानवता में भाईचारा बना रहे। और भोले भंडारी का तो आशीर्वाद हर वक्त सबके साथ है ही है। सुरेंद्र अग्रवाल जी, मैं सब सर यमुना नगर वासियों को सुख शांति का संदेश देता हूँ जी। सबको सुख शांति मिले और भोले भंडारी सबको तरक्की दे। जय भोलेनाथ। प्रधान सनातन धर्म सभा यमुनानगर, मैं कहता हूँ कि भी प्रभु शिव भोले भंडारी बहुत भोले हैं, सबके सब पर कृपा करें, हमारे देशवासियों पर, प्रदेशवासियों पर, सब पर कृपा करें। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।